अजय भैया, कब कितना पुराना है ये सैंडविच का? सैंडविच को हो गया 5 ईयर। इसका नाम है बॉम्बे सैंडविच? नहीं, वाव सैंडविच। वाव सैंडविच बॉम्बे से मतलब ज़्यादा फेमस है बॉम्बे में। बॉम्बे में मिलता है ज़्यादा, फिर दिल्ली में कैसे स्टार्टअप हुआ आपका? बॉम्बे में तो बहुत जगह मिलते हैं, फिर हमने सोचा कि हम यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करा। बहुत बढ़िया है। आपका कुछ लिंक है बॉम्बे से? बॉम्बे में हमारे हैं बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, वहीं से? हाँ, वहीं की रेसिपी एक तरह से वहीं का रेसिपी है, सब कुछ वहीं का। सैंडविच जो मेरे पास, वैसे तो 60 टाइप की सैंडविच है। 60 टाइप की सैंडविच है, जब कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको इतनी वैरायटी, कहीं नहीं मिलेंगी। बट हमारे पास जो बॉम्बे सैंडविच है, जैसे वेज ग्रिल विद चीज़, जिसमें ट्रिपल टेकर सैंडविच है, वो बहुत पॉपुलर है। पनीर टिक्का है, पनीर घोटाला सैंडविच है, हमारा बहुत पॉपुलर है। गार्लिक ब्रेड है, ये सब बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। अपनी टाइमिंग कह रही थी भैया? टाइमिंग 9:30 ओपन होता है सुबह में, रात को भी 9:30 तक ही होते हैं। ओपन है? हाँ, 7 डेज ओपन है। अच्छा, पर हमारी वीडियो कोई दूर से देख के आने लगे तो थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिएगा आप? साउथ एक्स मार्केट पार्ट 1 में, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जस्ट बाहर जैसे निकलेंगे वहीं पे है, मैकडी के बराबर। वाव सैंडविच। चलिए भैया के सैंडविच ट्राई करते हैं हम, पनीर टिक्का सैंडविच ट्राई करते हैं आपका। ठीक, वो लगा दीजिए हमारा पनीर टिक्का सैंडविच। भैया तैयार कर रहे हैं भैया पनीर के, देखिए स्लाइस कितने मोटे मोटे स्लाइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बटर लगाया। ये सॉस किस चीज़ की भाई? हरी चटनी। ये हरी चटनी है। ये वाली पिज़्ज़ा टॉपिंग? पिज़्ज़ा टॉपिंग है। तंदूरी में सॉस है। ब्राउन सॉस शेज़वान? शेज़वान सॉस है। ये देखिए पनीर के, ये 1 by 1 करके सारे पीसेस लगा दिए भैया ने। शिमला मिर्च से ये ढक दिया है। देखिए बेहतरीन लग रहा है देखने में सैंडविच। और ये अनियन लगा दी भैया ने। पनीर के साइज़ देखिए, पनीर का साइज़ कितना ज़्यादा हैवी है पनीर। ये ओरिगैनो, ये मसाला इनका, ये ऊपर से ये बारी है, चीज़ की बारिश कर दे भैया ने, कितना ज़्यादा चीज़ भर के डाल दी। ये देखिए बेहतरीन। फुल बेहतरीन करके फुल कर दिया चीज़ से। ऊपर से और लगाने वाली है चिप्स से, थोड़ी सी और मसाला, सम पुटिंग सम धनिया। अभी जा रहा है ग्रिल होने। अब इससे कितना टाइम लगेगा भाई? 2 से 3 मिनट में ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा पनीर टिक्का सैंडविच। ओए हो, देखिए बेहतरीन लग रहा है भाई साहब। ये देखिएगा, एक मिनट, ऊपर से और बटर डाल लें भैया। वाह, कट कर दिया पीसेस में। चिप्स डाल दिए ऊपर से, इस चटनी हो गया। तो देखिए हमारा पनीर टिक्का सैंडविच हमारे हाथ में है। काफ़ी इंतज़ार के बाद में हमारे हाथों में आया पनीर टिक्का सैंडविच। काफ़ी टाइम लगता है इसे बनने में। इसकी कॉस्ट 270 रुपीज़ है। और देखिए कितने सारे पीसेज हैं। और एक नई चीज़ ये है कि ये इसके बीच में देखिए क्या, देखिए ये चिप्स डाल कर देते हैं। शायद ही बॉम्बे का कॉन्सेप्ट होगा, बट दिखने में तो अच्छा लग रहा है। तो ट्राई, इसका जायका आप तक पहुँचाऊँगा, आपको फील कराऊँगा, अपनी ज़बान से खाऊंगा मैं और आपको बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है। फर्स्ट बाइट देखते हैं, ये ले लेते हैं। हैवी बाइट होगी, आप भी देखिएगा कितनी ज़्यादा हैवी है। इसे ले लेते हैं, एक तो पीसेस है, बड़ा पीसेस है। इसको पहले चटनी के साथ ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे। डिप कर लेते हैं थोड़ा सा। अलग अलग तरह की चटनी है, सॉस है, तंदूरी मायो है, थोड़ा सा लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। ये मेरी फर्स्ट बाइट है। ये देखिए मेरी पनीर टिक्के की, पनीर टिक्का सैंडविच की बाइट देखिएगा। फुल चीज़,
लोडेड। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, आगे बताता हूँ आपको कैसा है। असल में कार्ड का नाम है वाव सैंडविच, तो फर्स्ट बाइट मैंने ली है। फर्स्ट बाइट लेते ही इसको मैं बोलूँगा असल में वाव है, वाव सैंडविच, बेहतरीन सैंडविच लगा मुझे। देखिएगा इसकी जो पनीर है ना कितना बेहतरीन है, वो काफ़ी सारा पनीर इन्होंने डाल रखा है, मतलब मोटे मोटे पीसेज हैं अच्छे खासे। और मे बी इसमें अगर मैं अगर ग्राम्स में बात करूँ तो 200 ग्राम तो ये पनीर होगा ही, क्योंकि देखिए कितने सारे पीसेज बने हैं इसके। और ये फर्स्ट बाइट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसको जैसे इसके साथ दिया गया चिप्स, चिप्स को लगा कर ही खाते हैं, एक एक बाइट चिप्स के साथ बना लेते हैं। देखिएगा कोस्ट के हिसाब से वर्थ इट है, मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छे से क्रंची है, चिप के साथ एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। यू शुड ट्राई एट वंस। एड्रेस इनका साउथ एक्स में है, मैकडी है यहाँ पर उसके पास में, मेट्रो स्टेशन के पास में, साउथ एक्स पार्ट वन पर आइए, ट्राई करिए कि आप जाइए एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और कमेंट में आकर बताइएगा कि कैसा इनका सैंडविच लगा। मैं आपको इसकी रेटिंग 9.5 ज़रूर दूंगा 10 में से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि पनीर भी हर चीज़ में मतलब भर भर के डाली है सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की कोई कंजूसी नहीं की है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।